हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रोफेसर राकेश आस्वानी। स्टडी टिप चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम बोर्ड ओसीएम क्वेश्चन बैंक विद सॉल्यूशन की हम बात कर रहे हैं, उसमें क्वेश्चन नंबर 7 अटेम्प्ट द फॉलोइंग के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, ये हमारा पार्ट नंबर 8 है। इसके पहले के जो रिमेनिंग 7 पार्ट है उसको जरूर देखिएगा, प्लस मैंने डिस्क्रिप्शन में बहुत सारी बातें दी हुई है तो उसको चेक करना बहुत जरूरी है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के बार बार मैसेज आ रहा था कि सर, आप बाकी के पार्ट्स भी हमें बना के दीजिए, हमें शॉर्ट नोट्स वगैरह तैयार करने में बहुत तकलीफ हो रही है। अब अटेम्प्ट द फॉलोइंग की अगर हम बात करें तो फ्रेंड्स, ये आपको 5 मार्क का एक क्वेश्चन आता है, यानी 10 मार्क के लिए 2 क्वेश्चन आते हैं। तो क्या लिखना है, कितना लिखना है, ये सबसे बड़ा सवाल होता है। कई बार टेक्स्ट बुक में बहुत ज़्यादा मैटर होने की वजह से स्टूडेंट्स उसको याद नहीं कर पाते। तो क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले स्क्रीन पे आपको ये 13 क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं, इसमें जो येलो कलर में बताए गए हैं वो सबसे पहले तैयार करने हैं, और सभी टॉपिक्स के ऊपर मेरे वीडियोस अपलोडेड हैं। तो जैसे ही आप डिस्क्रिप्शन को चेक करेंगे, डिस्क्रिप्शन में नंबर वाइज जैसे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, सामने लिंक दिया हुआ है, आपको जो वीडियो देखना हो आप देख सकते हो, उसमें कितना आंसर लिखना है वो भी आपको आइडिया आ जाएगा। वहां पे उतना ही कट शॉर्ट करके आंसर लिखा हुआ है, पॉइंट्स को कट शॉर्ट किया गया है ताकि आपको एग्जाम में स्कोर करने में आसानी हो। तो फ्रेंड्स, क्या करना है फिर से सुनिए, कैसे तैयारी करनी है। सबसे पहले जो येलो कलर में आपको हाईलाइट किए हुए क्वेश्चंस हैं, सबसे पहले उसको तैयार कर लेना है। उसके बाद ग्रीन कलर के जो क्वेश्चंस आपको दिखाई दे रहे हैं हाईलाइट किए हुए, उसको तैयार कीजिएगा। उसके बाद रिमेनिंग क्वेश्चंस को आपने तैयार कर लेना है। फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए सारे वीडियोस नए तरीके से बनाए हैं, फिर एक्सप्लेनेशन वहां पे बताया गया है कितना लिखना है ताकि आपको एग्जाम में स्कोर करने में आसानी हो। तो फ्रेंड्स, क्या करना है आपने इस वीडियो के खत्म होने के बाद, डिस्क्रिप्शन चेक कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में ये सारे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, सामने लिंक दिया हुआ है, तो क्लिक करेंगे तो वीडियो ऑन होगा, उसमें जितना एक्सप्रेशन बताया गया है आपको उतना ही लिखना है। या तो उसी वीडियो में आप पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे टेक्स्ट बुक का पेज नंबर मैंने आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप वहां पे जाके उतना टिक कर सकते हैं जितना आपको वीडियो में बताया गया है ताकि आपको स्कोर करने में आसानी हो। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे वीडियोस देखने हैं तो 3 ऑप्शंस हैं। पहला, आप डिस्क्रिप्शन हमेशा चेक किया कीजिए, जब भी कोई वीडियो देखते हो तो उसमें कई सारे वीडियोस का लिंक दिया रहता है। दूसरा, आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, माय इंस्टाग्राम आईडी इज imrocsir। जब भी मैं कुछ भी वीडियो अपलोड करता हूँ तो उसका ट्रेलर मैं इंस्टाग्राम पे पोस्ट करता हूँ। तीसरा ऑप्शन आपको स्क्रीन पे ऊपर दिख रहा होगा, जैसे ही आप मेरे चैनल स्टडी टिप्स पे क्लिक करेंगे तो होम पेज ओपन होगा। होम पेज ओपन होगा तो वहां पे एक वर्ड दिखेगा प्लेलिस्ट, वहां पे क्लिक कीजिएगा। प्लेलिस्ट का मतलब होता है कि वहां पे चैप्टर वाइज और स्टैंडर्ड वाइज वीडियोस बने हुए हैं 11th के, 12th के, ताकि आपको स्कोर करने में आसानी हो। फ्रेंड्स, मैक्सिमम लोगों तक आपने इन वीडियोस को शेयर करना है, क्योंकि शेयरिंग ही केयरिंग है। थैंक यू ऑल फॉर योर लव एंड सपोर्ट।